दिया गया है कि कैसे इस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी करनी है क्या क्या टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने तो आज मैं बताऊंगी वो सिलेबस क्या है और कौन कौन सी बुक्स में आपको कितना कितना पढ़ना है ताकि आप वो पूरा सिलेबस कवर कर उससे पहले मैं एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो एग्जाम होना है उसके कई चरण होंगे तो पहला जो चरण होगा वो होगा आ, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा फिर इंटरव्यू होगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली एक मेडिकल एग्जाम होता है और उसके बाद वो अपॉइंटमेंट लेटर देंगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो आप उनकी तैयारी कैसे करेंगे पहले सिलेबस देख लेते हैं और फिर मैं आपको लास्ट में टिप दूंगी पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर एग्जाम की जानकारी और तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो गुरुदक्षिणा के तौर पे कम से कम तीन और दोस्तों या व्हाट्सएप ग्रुप्स को जरूर शेयर करें यूनिट so है सिलेबस पूरा यूजीसी नेट का ही सिलेबस है तो आपके लिए इजी रहेगा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी या क्रैक कर चुके हैं तो यह सिलेबस आपके लिए नया नहीं है यूनिट वन साइंस अब इसमें क्या क्या है डेफिनेशन प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ इनवायरमेंटलोस्फियर हाइड्रोस्फियर लिथोस्फियर मिट्योरोजी नेचुरल रिसोर्सेस जी आई एस कॉन्सेप्ट एंड लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड एनवायरमेंटलेशन इतना, इतना ही पढ़ना है इस के के लिए. क्योंकि पूरी किताबना संभव नहीं होता है तो किस टॉपिक में कितना कितना पढ़ना है चैप्टर और पेज नंबर वो मैं आपको बता दी जा रही हूँ इसके अलावा इकोलॉजी एंड एनवाइ बाई पीडी शर्मा चैप्टर्स टू थ्री इलेवन एन नाइनटीन

ये प्ले लिस्ट है डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज जैसे आप मेरे चैनल का पेज खोलेंगे उसमें आपको ये प्ले लिस्ट दिख जाएगी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी थर्टी फोर टू थर्टी नाइन लेक्चर थर्टी फोर रिमोट एंड सेंसिंग एंड जीआईएस के बारे में थर्टी फोर थर्टी फाइव में भी रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के बारे में है. क्योंकि रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एक बड़ा टॉपिक है तो एक लेक्चर में पूरा कवर नहीं हुआ है तो मैंने उसको थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स एट और थर्टी नाइन ये सभी लेक्चर्स रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के बारे में ठीक है और उसके बाद आपको देखना है टू टू लेक्चर्स इंट्रोडक्शन टू इन्वाइंस है लेक्चर टू में एटमोस्फेयर है और लेक्चर थ्री में भी एटमोस्फेयर एंड इट्स लेयर्स पार्ट टू लेक्चर फोर में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पार्ट टू है फिर ये देखिए लेक्चर फोर में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ लेक्चर फाइव इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पार्ट टू लेक्चर सिक्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पार्ट थ्री तो पार्ट टू में टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के बारे में पार्ट थ्री में वोल्केनो के बारे में है और फिर पार्ट एट है लेक्चर एट मिनरल्स के बारे में फिर लेक्चर नाइन बिग बैंग थ्योरी और यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में फिर लेक्चर टेन है एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम है तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है इस यूनिट वन को कवर करने के लिए ठीक है और ये दूसरा प्ले लिस्ट है एनवायरमेंटल साइंस इन इसमें बहुत ही कुछ साइंस uh, के बारे में गया। और सभी इन्वायरमेंटलोज एक से दो मिनट के हैं या फिर एक मिनट से भी कम के हैं तो इसको आप हमेशा कोई भी एग्जाम हो साइंस का इन्मेंटल हो इंटरव्यू हो इस पूरे प्लेलिस्ट को आप एक बार पढ़ के जाए इसमें सभी कुछ है इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में जो आपके लिए यूजफुल होगा इकोलॉजी के बारे में है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में जनडर ट्वेंटी क्या होता है बायोडाइवर्सिटी uh, डे क्या होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया क्या है इन्वॉर्मेंटल साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी को मैंने शॉर्ट वीडियोस बना दिया था क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगता है तो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए सबसे पहले शॉर्ट वीडियोज बना दो एक एक दो दो मिनट के या एक मिनट से भी कम के ताकि स्टूडेंट्स एक बार पूरा रिवाइज करके जा सके काफी कुछ है इसमें और बहुत ऐसा भी कॉन्सेप्ट है जो बाकी जगह आपको नहीं मिलेंगे जैसे ये प्लूम्स के बारे में प्लूम्स क्या होते हैं तो इनको जरूर आप पढ़ के जाए ठीक है इसके अलावा है यूनिट टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कॉम्पोजिशन ऑफ एयर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल साइंस केमिकल टॉक्सिकोलॉजी प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिटिकल मेथड्स मेथड्स एनालिटिकल मतलब वाटर और एयर और सॉइल के सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उसके पीछे कौन कौन से प्रिंसिपल्स लगते हैं इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक यूज होते हैं अब उसके लिए बुक क्या लगेगी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाई ए के डे एंड ए के डे चैप्टर्स वन

जितने जरूरत है जो जो टॉपिक है उसके हिसाब से जितनी जरूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ इसके अलावा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बाई एस के गर्ग चैप्टर नाइन पेज फोर हंड्रेड सेवन टू फाइव हंड्रेड पढ़ना है उसमें भी आपको इसमें से कुछ चीजें मिल जाएंगी ये मैं आपको वो बुक्स की लिस्ट दे रही हूँ जो मेरे पास है अगर आपको लगता है कि ये बुक्स आपके पास नहीं है या आपके पास कोई और अच्छी बुक है जिसमें ये टॉपिक्स मिल जाएंगे तो बेशक आप वो किताबें ले सकते हैं मेरी आपको राय है कि जो भी ये टॉपिक्स हैं उसको आप उन किताबों के कंटेंट सेक्शन में मार्क कर लीजिए कि हाँ ये टॉपिक्स कंटेंट में यहां से यहां तक है और उतना पढ़ लीजिए ठीक है आगे है यूनिट थ्री इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है और उसमें है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है कॉम्पोनेंट्स एनर्जी फ्लो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स सक्सेशन इकोलॉजिकल नीच है ये सब कुछ इकोसिस्टम इकोलॉजी में है types of ecosystems biomes and their types population ecology community ecology biodiversity and its conservation industrial ecology toxicology and microbiology environmental biotechnology जिसमें की bioremediation भी है और ये कहां मिलेगा आपको ecology and environment by pd sharma chapters 1 and 5 5 में आपको मिलेंगे ecological interactions चैप्टर का नाम है उसमें आपको ये सब मिलेगा चैप्टर 6 एंड चैप्टर सेवन चैप्टर सेवन में पॉपुलशन इकोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट होगा चैप्टर एट जो कम्युनिटी इकोलॉजी है नाइन इको सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर टेन उसमें हैबिटेट के बारे में दिया गया इसके अलावा चैप्टर फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन चैप्टर सिक्सटीन में टॉक्सिकोलॉजी एंड बायेशन के बारे में है चैप्टर नाइनटीन में बायोडावर्सिटी इन इंडिया है वो इम्पोर्टेंट है और चैप्टर ट्वेंटी में बायोडावर्सिटी एंड एनेट्स कॉन्जर्वेशन क्योंकि ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है और मोस्टली यह इकोलॉजी के बारे में है. तो इम्पोर्टेंट होंगे किस चैप्टर में क्या क्या डिटेल्स है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ठीक है इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाई ए के डे पेज वन थर्टी टू से वन फोर्टी टू इंपॉर्टेंट होगा वो भी आप पढ़ लीजिएगा और मेरी प्ले लिस्ट है एनवायरमेंटल साइंसेज इन जो मैंने अभी आपको दिखाई और इसके अलावा हमारी फर्स्ट लेक्चर वो है यहाँ उसमें आपको मिल जाएगा मेरा पहला जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंसेज है कि एनवायरमेंटल साइंसेज है क्या लेक्चर वन इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ये है मैं डिटेल पूरा लेक्चर आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि उसमें काफी वक्त लग जाएगा पर ये है इसको आप देख लीजिएगा इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी ठीक है आगे बढ़ते हैं यूनिट फोर एनवायरमेंटल जियो साइंसेस Origin of Earth, concept of minerals and rocks, formation of igneous and metamorphic rocks, formation of landforms and plate tectonics, energy budget of the Earth, Coriolis force, pressure gradient, geostrophic wind field, gradient wind, Indian climate, soil formation, weathering and erosion, soil properties, soil types, and soil chemistry. Iskelawa, geochemical classification of elements and paleoclimate. पैलियो क्लाइमेट मतलब कि पुरातन समय का क्लाइमेट जब ह्यूमन बींग्स इस अर्थ पे नहीं आए थे या नए नए आए थे उस वक्त क्लाइमेट कैसा था इनिशियली अर्थ का क्लाइमेट कैसा था पैलियो का मतलब होता है फॉसिल से जुड़ा हुआ था जब फॉसिल का एज था तो क्लाइमेट कैसा था इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ हाइड्रोस्फेयर एंड हाइड्रोलॉजी ग्राउंड वाटर बेस एंड क्वालिटी इन इंडिया मतलब ग्राउंड वाटर के, in के बेस और ग्राउंड वाटर क्वालिटी इन इंडिया लॉज गवर्निंग ग्राउंड वाटर हाइड्रोलिक्स हाइड्रोलिक्स का मतलब होता है मूवमेंट ग्राउंड वाटर मूवमेंट से जुड़े हुए कौन कौन से लॉज

वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में आपको ये हाइड्रोलॉजी रिलेटेड मिल जाएगा चीजें और मैंने कुछ वीडियो बनाए थे जो है, मे, playlist, sciences, 2 10 उसमें है और मैं आपको फिर से ये खोल के दिखा देती हूँ खुला ही हुआ है वैसे तोल साइंस है इसमें इन्वायरमेंटल साइंस के हर रेलिवेंट टॉपिक पे पंद्रह से पच्चीस तीस मिनट तक के लेक्चर्स हैं जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं ठीक है आप देखते जाइए यहाँ पर वाटर पोल्यूशन पर भी है ड्रिंकिंग वाटर पर भी है जीआईएस पर भी है रिमोट सेंसिंग पर भी है एयर पोल्यूशन पर भी है सब कुछ है पर लेक्चर टू टू टेन मैंने अभी आपको दिखाना है तो लेक्चर टू यहाँ है एंड इट्स लेयर्स लेक्चर थ्री इट्स लेयर्स पार्ट टू में है फिर लेक्चर फोर है लेक्चर फाइव है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ लेक्चर सिक्स है तो इस तरह से काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं मेरा ये यहाँ पर ये चैनल का आप लिंक जब खोलेंगे तो यहाँ देखिए

principles of generation of energy from water, sun, earth and wind matlab मतलब principles of generation of energy from water, energy from sun, energy from earth and energy from wind fir nuclear energy, fusion and fission reactors and bio energy इसके सारे detail hai main is syllabus का लिंक भी description box में दे दूंगी ताकि अगर कुछ डिटेल यहाँ छूटी है तो आप syllabus को refer कर सकते हैं इसके अलावा environmental impact and pattern of energy use

Environmental Chemistry by A.K. Day and A.K. Day Chapter 15. Ecology and Environment by P.D. Sharma Chapters 15 and 22. इसके अलावा Sewage Disposal and Air Pollution Engineering by S.K. Garg Chapter 15 पेज 575 से 599 तक ये तीनों ही किताबें इंपॉर्टेंट है मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप जरूर ले लें पर अगर अगेन अगर आपके पास ये तीनों किताबें नहीं है तो आप ये टॉपिक्स को देख लीजिए उन किताबों में जो आपके पास हैं और वहां पे आप कंटेंट्स में जाके मार्क कर लीजिए और वहां से भी पढ़ सकते हैं इसके अलावा अगर कुछ ऐसा है जो इन किताबों में इन टॉपिक्स में आपको नहीं मिलता इस इस कंटेंट में आपको नहीं मिलता है तो आप सीधे इंटरनेट पे वो वर्ड डालिए और उसको ढूंढ लीजिए जैसे मैंने अभी आपको ये करके दिखाया यूनिट दिखायामेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे अब इसमें क्या क्या है सॉइल पोल्यूशन फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल टेक्सचर स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कॉम्पोनेट्स ऑफ सॉइल

और ये टॉपिक आपको मिल जाएगा उसमें काफी कुछ है इसमें से और फिर चैप्टर फिफ्टीन है इनका पेज फाइव सेवेंटी फाइव टू फाइव उसमें अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाई ए के डे चैप्टर प्रॉपर्टीज एंड पोल्यूशन आपको वहां मिल जाएगा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बाई पी डी शर्मा चैप्टर थ्री उसमें सॉइल के बारे में मिलेगा चैप्टर फोर्टीन उसमें सॉइल पोल्यूशन के बारे में मिलेगा चैप्टर फिफ्टीन उसमें रिडोक्टिव पोल्यूशन के बारे में मिलेगा और चैप्टर सिक्सटीन उसमें बायो रिमोटेशन के बारे में मिलेगा ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट होगा अगेन ये किताबें अगर आपके पास नहीं है कोई और किताब है तो उसके कंटेंट को जाके ये टॉपिक्स आप ढूंढ सकते हैं पर क्योंकि मैंने ये किताबें पढ़ी हैं और ये किताबें मेरे पास हैं तो मैं इनके बारे में बता रही ठीक है वैसे ये सभी अच्छी किताबें हैं स्पेशली एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाई एस के गर्ग ये किताब बहुत ज्यादा टॉपिक्स कवर करती है तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इन किताबों को जरूर पढ़ें और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाय ए के पीछे जो है वो टाइप लिखे हुए हैं हर चैप्टर के बाद तो उनको भी आप रेफर करें तो आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसकी तैयारी करने में मदद मिलेगी आगे टॉपिक है थर्मल मराइन पोल्यूशन एंड रेडियो हेल्थ सोर्सिसम्पैक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ द से थर्मल तो पोल्यूशन क्या होता है मराइन पोल्योक्टिव पोल्यूशन क्या होता है और वो आपको इन सब में मिल जाएगा नहीं मिला कुछ तो इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और यूनिट सिक्स सिक्स इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल कंटिन्यूड है एयर पोल्यूशन सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स कंट्रोल मेजर्स एंड डिवाइस हेल्थ इंपैक्ट्स क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स

और इनमें वैसे टॉपिक्स भी है जो अक्सर यूपीएससी में पूछे जा, पूछे जाते हैं और खास करके इस एग्जाम से जुड़ा जो एयर पोल्यूशन के बारे में क्राइटेरिया पोलूट के बारे में नेशनल एम्बेंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में और एयर क्वालिटी एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं तो गैशेस पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कौन सा डिवाइस है पर्टिकुलर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कौन सा डिवाइस है वो सभी इन दोनों प्लेलिस्ट में है और खासकर ये प्लेलिस्ट जो मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाई है तो मैं दिखा रही हूँ उसमें बहुत कुछ है जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में काम आता है जैसे ग्रीन क्रेडिट के बारे में कॉप के बारे में करंट अफेयर्स और है पर अभी हम जानेंगे कि इन एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में तो लेक्चर ट्वेंटी है एयर पोल्यूशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट पार्ट थ्री टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लेक्चर एटीन है एयर पोलूशन के बारे में लेक्चर नाइनटीन है थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है लेक्चर uh, तो इस तरह से एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में भी बहुत सारे लॉज के बारे में

इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इंपॉर्टेंट होगा एयर पोल्यूशन पोल्यूर्मल पाप्लांस साइक्लोन सेपरेटर्स इंपॉर्टेंट होगा ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स प्लेलिस्ट का नाम है एनवायरमेंटल साइंस फॉर यूपीएससी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्लेलिस्ट को आप पूरे वीडियोस को जितने वीडियोस इस प्लेलिस्ट में हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप जरूर देखिएगा ठीक है खास करके एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में इस प्लेलिस्ट में दिया गया है इस, इन दोनों प्ले में है तो आप सभी देख सकते हैं यूनिट सिक्स कंटिन्यूड है वाटर पोल्यूशन टाइप्स एंड सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इट्स इम्पैक्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स बी आई ए स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैम्पलिंग एंड मेजरमेंट ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट एंड सीईटी सीईटीपी मतलब कॉमन एफ्लुएं ट्रीटमेंट प्लांट और वॉटर सप्लाई इंजीनियरिंग बाई एसके गर्ग चैप्टर एट एंड नाइन इसमें मिल जाएगा ये बहुत ही अच्छे से बहुत डिटेल में दिया गया है इसके अलावा गर्ग चैप्टर नाइन में कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में महा दिया गया है

वाटर पोल्यूशन पार्ट वन डेफिनेशन कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन लेक्चर फोर्टी टू वॉटर पोलूशन पार्ट टू टाइप्स ऑफ वॉटर पोल्यूशन लेक्चर फोर्टी थ्री हाउ डज वाटर पोल्यून इम्पैक्ट ह्यूमस ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वाटर बॉडी डिजीजे के बारे में उसको जरूर देखिए लेक्चर फोर्टी फोर इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल डेट से ये इम्पॉर्ट होगा तो ये काफी कुछ है इसके बारे में और सुअल ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में भी है मैं अभी आपको दिखाती हूँ How is sewage treated? Operation of sewage treatment plant. How does the sewage treatment plant da, operate? jo common effluent, effluent, jo common effluent treatment plant jo topic tha wo is lecture 33 mein covered hai तो इसको आप देख लीजिएगा जरूर से। इसका भी link सब मैं description box में दे दूँगी। आप देख तो जायेगा। Unit seven, solid and hazardous waste management। important unit है। इससे भी questions हमेशा आते हैं। Solid waste types and sources, characteristics of solid waste.

इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बाई पी डी शर्मा चैप्टर फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्स और स्वर्जन एयर पोल्यूशन एंजीनियरिंग गर्ग चैप्टर फोर्टीन एंड फिफ्टीन वहां पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा यूनिट एट एनवायरमेंटलेशन बेसिकली आई ए क्या होता है इनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ई आई एस एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टेटमेंट एंड ई एन पी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान ठीक है ई आई ए की गाइडलाइंस इंपैक्ट असेसमेंट मेथोडोलॉजीज प्रोसीजर्स फॉर रिव्यूइंग ई आई एफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट

तो ये आपको काफी कुछ इसमें मिल जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं मैं प्लेलिस्ट प्ले खोल के आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं पहले ही कई बार दिखा चुकी हूँ आप प्ले को देख लीजिएगा अब आया यूनिट नाइन स्टेटिस्टिकल अप्रोचेज एंड मॉडलिंग इन एनवायरमेंटल इनवाइंस ये एक कॉम्प्लिकेटेड यूनिट मुझे लगती है क्योंकि स्टेटिस्टिक्स में मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है तो इसलिए मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया पर बुक मैं रिकमेंड करूंगी अब टॉपिक्स देख लेते हैं attributes and variables types of variables scales of measurement measurement of central tendency and dispersion standard error moments measurement of skewness and kurtosis probability theory sampling theory distributions correlation regression tests of hypothesis matlab t-test x-square test anova one-way and two-way anova significance and confidence limits approaches to development of environmental models linear simple and multiple regression models validation and forecasting जाना जरूरी है बुक है एमेजोन पे अवेलेबल है न्यू कॉपी ले लीजिए यूज कॉपी ले लीजिए जैसे आपकी अफोर्डेबिलिटी है आप कर सकते हैं मैंने ये बुक पढ़ी है तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ पर अगर आपके पास कोई दूसरी किताब है

Issues related to water resource projects Narbada Dam, Dam, Tehri Dam, Dam Almati Dam, Kaveri and Manadi Dam, Hydropower Projects in Jammu and Kashmir, Himachal and Northeastern States, Water Conservation, Development of Watersheds, Rainwater Harvesting, groundwater Recharge, National River Conservation Plan, Namami Gange and Yamuna Action Plan, eutrophication, Soil Erosion, Forest Conservation, Chipko Movement, Wildlife Conservation Projects, Carbon Sequestration and Carbon and Green Credits, Acid Rain and Ozone Holes of good.

उसी में करंट अफेयर्स के जैसे ये व्हाट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ग्रीन क्रेडिट वर्सेस कार्बन क्रेडिट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इसको अच्छे से पढ़ अच्छे से देख लीजिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है आपको मजा आएगा इसके अलावा कॉप क्या है UNFCC क्या है कॉप ट्वेंटी एंड कॉप ट्वेंटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये पढ़िएगा ही पढ़िएगा इसके अलावा एनवायरमेंटल करंट अफेयर्स में वॉट इज द पैरिस अग्रमेंट एनडीसी ये सब क्या होता है ये सब कुछ आपको पढ़ना बहुत जरूरी है तो ये लास्ट के दिनों तो आप चार्ट ही जाएगा, और में, काफी कुछ मैंने बताया इन्वायरमेंटल इश्यूज कंटिन्यूड है अब इसमें और क्या है वेस्ट मैनेजमेंट स्वच्छ भारत अभियान ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेट फेस पे आपको जानकारी मिल जाएगी इसको देख के जाइएगा सस्टेनेबल हैबिटेट ग्रीन बिल्डिंग गृह रेटिंग नॉर्म्स ये में हुआ था भोपाल गैस डिजास्टर ये इंडिया में हुआ था चर्नोबल डिजास्टर ये यूक्रेन में हुआ था डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर जो ये दो हजार ग्यारह में हुआ था जापान में इन सबके बारे में बहुत डिटेल में नहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि ये डिजास्टर्स क्या है कैसे हुए थे जैसे कि मिनमाटा मिनेमाटा बेस्टर में क्या होता कि एक कंपनी अपना मरकरी वाला पानी जो है वो मिनमाटा बे में डंप कर रही थी और उससे वहां की मछलियों ने उस पानी को कंज्यूम किया मछलियों में मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया फिर उस मछलियों को ह्यूमंस ने कंज्यूम किया और मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ये उससे मिनमाटा डिजीज हो गया था फिर लव किनार डिजास्टर जो कि यूएसए में हुआ था Uh, उसमें क्या था कि एक कंपनी ने लव कनाल जो हाउस के पास था उसमें टॉक्सिकेंट्स डंप करना शुरू किया टॉक्सिकेंट्स लीक हो गए और उससे बीमारी फैली थी फिर भोपाल गैस डिजास्टर आप सब जानते हैं चाहे डिजास्टर में न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्राक्चर हो गया था और फिर कुछ डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर में भी वैसे ही हुआ था कुछ तो यही सब अब ये सब कहाँ मिलेगा आपको इंटरनेट में ये सब कुछ मिलेगा इसके अलावा माई विडियोज इन द लिस्ट डिटेल्ड लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल साइंसिस में स्पेसिफिकली लेक्चर फोर्ट थ्री को आपको पढ़ना है जिसमें की, और आ, के बारे में आपको दिया गया है और एनवायरमेंटल इन उसमें भी काफी कुछ मिल जाएगा और लेक्चर फोर्टी थ्री में एक बार आपको खोल के दिखा देती हूँ हाउ डज वाटर पोल्यूशन इम्पैक्ट ह्यूमन ये वीडियो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसमें काफी सारे डिजीजेस के बारे में कि वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या होते हैं माइक्रोव से भी डिजीजेस होते हैं जो कि पानी में माइक्रोब्स रहते हैं इसके अलावा वाटर में अगर नेचुरली कोई पोल्यूटेंट है फ्लोरिन है या आर्सेनिक है तो उससे बीमारियां भी 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 फैलती हैं तो वो सभी कुछ के बारे में इसमें है तो ये आप देख लीजिएगा लेक्चर फोर्टी थ्री बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ड्रॉप कर दूंगी आप देख लीजिएगा आज के लिए इतना ही कुछ और अगर नहीं समझ में आया कुछ और मुझसे चाहते तो डिस्क्रिप्शन तो कमेंट्स में मुझे बताइए इसके अलावा कोई और एग्जाम हो रहा है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उससे रिलेटेड बुक्स वगैरह के बारे में या कुछ टिप्स दूं तो फिर वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइए और मैं उससे रिलेटेड बुक्स और टिप्स लेके आऊंगी और एक टिप जो मैंने कहा था कि मैं अंत में शेयर करूंगी कि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स लिखने के लिए आएंगे आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में उसके लिए आप क्या कीजिए यूजीसी नेट के वेबसाइट पर जाइए और उसमें जो 2012 के पहले के जितने यूजीसी नेट के एग्जाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें जो पेपर थ्री होता था ना वो सब्जेक्टिव होता था उसको डाउनलोड कर लीजिए तो उससे आपकी एग्जाम लिखने की तैयारी हो जाएगी और मैं सजेस्ट करूंगी कि उस सब्जेक्टिव टाइप पेपर को डाउनलोड करके और आप एक टाइमर लेके बैठे कि इतने घंटे में मुझे ये पूरा पेपर सॉल्व करना है इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट को बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाएंगे तरीका हमेशा एग्जाम क्लियर करने का यही होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाए अगर क्वेश्चन पेपर तो उससे आप तैयारी कर लीजिए और क्योंकि यूजीसी नेट का ही सिलेबस है पूरा तो यूजीसी नेट का जो दो के पहले का क्वेश्चन पेपर है पेपर थ्री वो सब्जेक्टिव है उसको डाउनलोड कर लीजिए उसको सॉल्व करके कर देखिए और बुक्स मैंने आपको रिकमेंड कर ही दी है और मैं बार बार कह रही हूँ uh, पढ़ना है ये बुक्स अगर आपके पास नहीं है कोई और बुक्स है तो उसके कंटेंट में जाके टॉपिक को मार्क कर लीजिए मार्क कर लीजिए तो उतना पढ़ लीजिएगा ठीक है आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम जो भी हो आप मुझे बताइए कमेंट्स में